पावर प्ले स्कूल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज फाइन। आज हम करने वाले हैं सेंटेंस रीडिंग का सेक्शन 3। इससे पहले हमने क्या किया था, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अगर आपने मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो आइए आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। स्टॉप एट द शॉप। Stop at the shop. The door has a lock. The door has a lock. Do not knock at the door. Do not knock at the door. आपने मेरे साथ साथ स्पीक करना है। The cook is a crook. The cook is a crook. तो ये आपको बेकरी शॉप दिखाई दे रही है। Yes. यहाँ पे टू बॉयज खड़े हैं, तो वन बॉय अदर बॉय से कह रहा है स्टॉप एट द शॉप, इस शॉप पे रुक जाओ। द डोर हैज अ लॉक। द डोर हैज अ लॉक। डोर पे लॉक है। डू नॉट नॉक एट द डोर। डोर को नॉक नहीं करना है, मीन्स डोर नहीं खटखटाना है। द कुक इज ए क्रूक। जो कुक है इस शॉप का वो क्या है, क्रूक मीन्स बदमाश है, इसीलिए डोर नॉक नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। डू नॉट प्लक द फ्लावर। It is not good. Do not pluck the flower. It is not good. तो यहाँ पे देखो, ये मदर क्या समझा रही है अपने बॉय को कि do not pluck the flower. फूल को नहीं तोड़ना, it is not good. यह अच्छी बात नहीं है। आपने भी ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपने भी फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नाउ सी द गुल। गुल मीन्स ये रहा पक्षी। गुल किसका नेम है, पक्षी का। तो नाउ सी द गुल, इस गुल को देखो। इट इज ऑन द बग। ये बक के ऊपर बैठी है। बक मीन्स हिरन। बक मीन्स हिरन। तो द गुल इज ऑन द बक। सी द बुल, इट इज फुल। सी द बुल, ये रही बुल। इट इज फुल, यह फुल हो चुकी है घास खा के, इसलिए यहाँ पे लेटी हुई है। ओके, तो आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। Stop at the shop. The door has a lock. Do not knock at the door. The cook is a crow. Do not pluck the flower. It is not good. Now see the gull. It is on the bug. See the bull. It is full. Okay, तो आपने बार बार इन्हें रीड करना है ताकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। तो देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट क्या है। ये रही आज की हमारी वर्कशीट। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद साउंड ए। इन सेंटेंसेस को रीड करना है और साउंड ए वाले वर्ड्स के नीचे क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है, अंडरलाइन। ओके, तो हम रीड करते हैं। अ ब्राउन कैट ऑन
the mat. A brown cat on the mat. तो इस सेंटेंस के अंदर जितने भी ए वाले साउंड वाले वर्ड हैं उनके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. तो सबसे फर्स्ट तो ए, ए का ही साउंड है ना ये, तो इसके नीचे भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन. कैट, कैट में भी ए का साउंड है, तो इसके नीचे भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन. नेक्स्ट मैट, मैट में भी ए का साउंड है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. राज हैज अ शीप इन हिज जीप. राज हैज अ शीप इन हिज जीप. इसमें भी ए वाले साउंड के नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. तो राज, इसके अंदर भी ए का साउंड है, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं. नेक्स्ट हैज, इसमें भी ए का साउंड है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करेंगे. ओके, इसी तरह से आपने इन सेंटेंसेस के अंदर जितने भी ए वाले साउंड हैं इनके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.